Good morning. Welcome to our online math class. Today, I begin our first chapter, Decimals. Today, we will about decimals. Ke bare mein so, what is decimal? A decimal point is a point or dot used to separate the whole part of a number from the fractional part of a number. Decimal point, dot, हम नंबर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं तो नंबर को सेपरेट करने के लिए मतलब हम होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम नंबर्स के बीच में डॉट को यूज़ करते हैं नाउ अस लर्न ब्रीफली अबाउट डेसिमल्स लुक हियर हियर द नंबर इज 2530.756 थाउजेंड यहाँ पर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी जो है वो है होल पार्ट और सेवन फाइव सिक्स जो है वो है फ्रैक्शनल पार्ट यानी डॉट से पहले डेसिमल से पहले जो नंबर आएगा उसे हम होल पार्ट कहते हैं और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं तो हम इसे किस तरह से रीड करेंगे होल पार्ट को हम जिस तरह से नॉर्मल नंबर्स को रीड करते हैं हम उसी तरह रीड करेंगे जैसे कि टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी पॉइंट अ फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को किस तरह से रीड करेंगे हम एक एक सिंगल डिजिट को रीड करेंगे लाइक सेवन फाइव सिक्स सो द नंबर इज़ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी पॉइंट सेवन फाइव सिक्स तो यहाँ देखिए होल पार्ट के जो नंबर्स के प्लेसेस है वो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड जो कि हमें मालूम है और फ्रैक्शनल पार्ट के जो प्लेस होंगे वो देखिए किस तरह से होंगे यहाँ पर टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड। यहाँ देखिए होल पार्ट के जो नंबर्स हैं उसको हम राइट साइड से काउंट करेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट के नंबर्स से, उसको हम लेफ़्ट साइड से काउंट करेंगे यानी डॉट के बाद फर्स्ट जो है वो प्लेस होगा टेंथ प्लेस उसके बाद वाला प्लेस होगा हंड्रेड प्लेस और उसके बाद वाला प्लेस होगा थाउजेंड प्लेस सो हियर सेवेन्थेंथ फाइव हंड्रेड एंड सिक्स थाउजेंथ नाउ लेटेस्ट सॉल्व सम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट राइट द होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट ऑफ दिस डेसिमल्स सो हियर ए वन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव तो बताइए इसमें होल पार्ट कौन सा होगा और डेसिमल पार्ट कौन सा होगा यस वेरी गुड थर्टी सेवन इज होल पार्ट एंड फाइव इज़ द डेसीमल पार्ट नेक्स्ट बी वन फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट पॉइंट ज़ीरो थ्री मैंने अभी बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम एक एक डिजिट को रीड करते हैं फोर फोर हंड्रेड ट्वेंटी एट पॉइंट ज़ीरो थ्री तो इसमें होल पार्ट होगा फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट एंड ज़ीरो थ्री होगा डिसिमल पार्ट नाउ नेक्स्ट वन फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन पॉइंट थ्री सेवन नाइन चलिए बताइए इसमें होल पार्ट कौन सा है और डिसिमल पार्ट कौन सा है

यहाँ जो डिजिट अंडरलाइन करेवा है हमें उसके प्लेस वैल्यू को लिखना होगा अभी मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट के प्लेस वैल्यू को हम किस तरह से रीड करते हैं और होल पार्ट के प्लेस वैल्यू को हम किस तरह से रीड करते हैं तो चलिए फर्स्ट वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन टू इसमें सेवन का प्लेस वैल्यू क्या होगा यस वेरी गुड सेवन जो है वो है टेंथ प्लेस पे है तो ये क्या होगा सेवन टेंथ होगा नाउनेक्स बी वन सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी फोर पॉइंट थ्री फाइव जीरो अंडरलाइन करेवा है तो यहाँ थ्री होगा टेंथ प्लेस पे और फाइव होगा हंड्रेड प्लेस पे और जीरो होगा थाउजेंड प्लेस पे तो हमें यहाँ लिखना है कि फाइव कौन से प्लेस पे है तो फाइव यहाँ हंड्रेड प्लेस पे है नाव नेक्स्ट वन नाव नेक्स्ट वन नाइनटीन पॉइंट सिक्स एट फोर तो यहाँ फोर के नीचे अंडरलाइन करेवा है तो हमें बताना होगा कि फोर कौन से प्लेस पे है तो सिक्स जो है वो टेंथ प्लेस पे होगा एट जो है वो हंड्रेड प्लेस पे होगा तो फोरथ जो है वो थाउजेंथ प्लेस पे होगा तो यहाँ हमें लिखना होगा फोर थाउजेंथ नाउ नेक्स्ट वन 3875.05 तो यहाँ एट को अंडरलाइन करेवा है एट जो है वो होल पार्ट में से आएगा तो हमें होल पार्ट को हम वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेसेस से काउंट करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम टेंथ प्लेस से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखिए फाइव वन प्लेस पे है सेवन प्लेस पे है और एट हंड्रेड प्लेस पे है तो एट हंड्रेड तो हमेशा याद रखिए होल पार्ट को हम किस तरह से काउंट करेंगे हम प्लेसेस को वन टें हंड्रेड से काउंट करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम टेंथ से स्टार्ट करेंगे टेंथ हंड्रेड थाउजेंड और हम होल पार्ट को राइट right साइड से काउंट करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे नाउ नेक्स्ट वन 402.96 हंड्रेड यहाँ पर टू अंडरलाइन करेवा है तो ये टू भी जो है वो होल पार्ट में से है तो टू की प्लेस क्या होगी येस वेरी गुड वंस प्लेस पे है टू सो टू वंस यहाँ देखिए सेवन टेंथ यानि ये फ्रैक्शनल पार्ट का है तो हम सेवन टेंथ प्लेस पे है तो हम इसका फ्रैक्शन फॉर्म किस तरह से लिखेंगे सेवन बाई टेन नेक्स्ट वन फाइव हंड्रेड ये भी फ्रैक्शन फॉर्म का है तो हम फाइव हंड्रेड प्लेस पे है यानी हम इसको लिखेंगे फाइव बाई हंड्रेड नेक्स्ट वन फोर थाउजेंड यानी ये भी हुआ फ्रैक्शनल पार्ट तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे फोर बाई नाउ नेक्स्ट वन एट हंड्रेड हंड्रेड मतलब ये हुआ होल पार्ट का तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे एट इन टू हंड्रेड नाव नेक्स्ट वन टू वंस यानी टू वंस प्लेस पे है तो ये होल पार्ट में से है तो हम इसको लिखेंगे टू इंटू वन नाव नेक्स्ट हियर फर्स्ट वन सेवन बाई टू इसको हम डेसिमल में कई किस तरह से लिखेंगे तो यहाँ देखिए न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में सिर्फ एक नंबर है तो हम डिनोमिनेटर में से भी एक नंबर को कैंसिल कर देंगे सेवन को और वन को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स कितने जीरोस बचे हुए हैं यस वन ज़ीरो तो वो वन ज़ीरो को हम न्यूमिनेटर के सेवन के साथ लिखेंगे यानी ज़ीरो पॉइंट सेवन हमेशा रख याद रखिए पॉइंट एक ज़ीरो के बाद ही आएगा नाउ नेक्स्ट वन फाइव बाई हंड्रेड आप बताइए न्यूमिरेटर में कितने नंबर से वन डिनोमिनेटर में हम वन नंबर को कैंसिल करेंगे नंबर फाइव है बट मैंने पूछा है कि कितने नंबर से नंबर तो एक ही है न्यूमिरेटर में तो फाइव को वन को कैंसिल करेंगे तो कितने जीरोस बचे हुए हैं टू जीरोस तो वो टू जीरोस को हम न्यूमिरेटर के फाइव के साथ लिखेंगे यानी जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाउ नेक्स्ट वन फोर बाई थाउजेंड फोर को और वन को हम कैंसिल कर देंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने ज़ीरोस है थ्री जीरोस अब वो थ्री जीरोस को हम न्यूमिनेटर के फोर के साथ लिखेंगे यानी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फोर नाउ नेक्स्ट वन एट इंटू हंड्रेड वो तो होगा एट हंड्रेड नाउ नेक्स्ट वन टू इंटू वन सो टू वन जा टू नाओ नेक्स्ट सेक्शन राइट द नंबर नेम एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल्स इस नंबर को हमें नंबर नेम लिखना है और इसको एक्सपैंड करके लिखना है तो मैंने अभी बताया था कि इसको किस तरह से रीड करेंगे हम फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी फाइव पॉइंट सिक्स टू वही हम यहाँ पर लिखेंगे फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी फाइव पॉइंट सिक्स टू अब इसको हम एक्सपैंड किस तरह से करेंगे होल पार्ट को हम हमेशा जिस तरह से एक्सपैंड करते हैं उसी तरह से एक्सपैंड करेंगे जैसे कि फोर थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस एटी प्लस फाइव प्लस अब यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो रहा है पॉइंट के बाद तो मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद फ्रैक्शन पार्ट को हम टेंथ से पढ़ेंगे यानी टेंथ प्लेस से पढ़ेंगे सिक्स जो है वो टेंथ प्लेस पे है टू जो है वो हंड्रेड प्लेस पे है तो यहाँ हम लिखेंगे सिक्स बाई टेन प्लस टू बाई हंड्रेड तो ये एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा फोर थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस एटी प्लस फाइव प्लस सिक्स बाई टेन प्लस टू बाई हंड्रेड नाउ नेक्स्ट वन नाउ नेक्स्ट वन सेवेंटीन पॉइंट फोर एट नाइन तो इसको हम नंबर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे सेवनटीन पॉइंट फोर एट नाइन अब इसका एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा सेवनटीन को हम लिखेंगे टेन प्लस सेवन क्योंकि ये जो है ये होल पार्ट है पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा फ्रैक्शनल पार्ट तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे मैंने अभी बताया था कि पॉइंट के बाद यानी फ्रैक्शनल पार्ट टेंथ प्लेस से स्टार्ट होगा यानी फोर टेंथ प्लेस पे होगा एट हंड्रेड प्लेस पे होगा और नाइन थाउजेंड प्लेस पे होगा तो टेन प्लस सेवन प्लस फोर बाई टेन प्लस एट बाई हंड्रेड प्लस नाइन बाई थाउजेंड नाउ नेक्स्ट सेक्शन राइट द डेसिमल फॉर दिस फ्रैक्शनल एक्सपेंशन तो यहाँ पर नंबर एक्सपेंड करे हुआ है जिसको हमें पॉइंट लगाकर डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ देखिए थ्री हंड्रेड प्लस सिक्सटी प्लस नाइन प्लस फोर बाई टेन तो चलिए इसमें आप बताइए होल पार्ट कौन सा है और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है यस वेरी गुड थ्री हंड्रेड प्लस सिक्सटी प्लस नाइन ये आएगा होल पार्ट में और फोर बाई टेन आएगा फ्रैक्शनल पार्ट में यानी थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन पॉइंट फोर मतलब फोर बाई टेन स्टार्ट हो रहा है मतलब हमें वहां पर पॉइंट लगाना चाहिए सो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन पॉइंट फोर Now next B one forty plus eight plus one by ten plus six by hundred यहाँ देखिए forty plus eight ये जो है होल पार्ट में आएगा तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे forty plus eight forty eight point one six जब पॉइंट के बाद वाले numbers को हम किस तरह से लिखेंगे one six सो forty eight point one six Now next one सिक्स हंड्रेड प्लस नाइन्टी प्लस फाइव बाई टेन प्लस सिक्स बाई थाउजेंड यहाँ देखिए सिक्स हंड्रेड प्लस नाइन्टी होगा सिक्स नाइन्टी पॉइंट फाइव बाई टेन प्लस सिक्स बाई थाउजेंड तो चलिए यहाँ बताइए ये यह सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि यहाँ फाइव बाई टेन 10, हंड्रेड वाला प्लेस यहाँ पर नहीं है तो उस प्लेस पर हम लिखेंगे ज़ीरो क्योंकि यहाँ पर फाइव बाई टेन है सिक्स पाई थाउजेंड है मीन्स यहाँ पर हंड्रेड प्लस नहीं है तो हम लिखेंगे सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी पॉइंट फाइव ज़ीरो सिक्स नाउ नेक्स्ट सेक्शन राइट द डेसिमल फॉर दिस डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर नाइन्टी प्लस सिक्स प्लस ज़ीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री तो ये एक्सपैंड करेवा है जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा तो देखिए नाइनटी प्लस सिक्स ये तो होल पार्ट में आएगा जीरो पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट में तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे नाइनटी सिक्स पॉइंट फाइव थ्री देखिए आपको ये भी चेक करना होगा कि फाइव टेंथ प्लेस पे है यहाँ पर और थ्री जो है वो हंड्रेड प्लेस पे है तो ये सीक्वेंस में है इसीलिए हम इसको लिखेंगे नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव थ्री नाउ नेक्स्ट वन एट हंड्रेड प्लस फोर्टी प्लस फाइव प्लस ज़ीरो पॉइंट नाइन प्लस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स तो यहाँ देखिए एट हंड्रेड प्लस फोर्टी प्लस फाइव ये होल पार्ट में आएगा तो इसको हम लिखेंगे एट हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव यहाँ पॉइंट स्टार्ट होगा तो यहाँ देखिए नाइन जो है वो टेंथ प्लेस पे है और सिक्स जो है वो यहाँ देखिए ये ज़ीरो टेंथ प्लेस पे है और ये ज़ीरो हंड्रेड प्लेस पे है और सिक्स जो है वो थाउजेंड प्लेस पे है तो यहाँ पर कौन सा प्लेस मिस है ये वेरी गुड यहाँ पर हंड्रेड प्लेस नहीं है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे एट हंड्रेड फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन ज़ीरो सिक्स